हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के श्री केशव कुमार जी हैं, जिनके साथ सैकड़ों साथियों पे केस चलता है, जिसके हम लोग लगातार हम लोग धरना पे भी बैठे थे जी 2005 में जी। उसके बाद सर बहुत पुराना आप लोग का ये समस्या, आज केस आज तक झेल रहे हैं सर हम लोग, केस आज तक चल रहा है सर हाईकोर्ट पटना में, जिसके मुख्य अभियुक्त केशव कुमार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सर हमारी दूसरी जो समस्या है स्थानीय है रोहतास जिले की, विभाग राज्य सरकार द्वारा बार बार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, यहाँ से बहुत पत्र निर्गत किए जाते हैं, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए, जबरन वहाँ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, सैकड़ों शिक्षकों को वर्षों से लगाया जा रहा है विद्यालय में, हम शिक्षकों को करीब विभाग रोहतास जिला के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण माह जनवरी 2018 फरवरी माह और एरियर का भुगतान नहीं हुआ सर, इसके साथ अभी वर्तमान में 3 माह का भुगतान नहीं हुआ, अभी हम लोगों का टोटल मिला के अगर जोड़ा जाए सर 5 महीने का वेतन नहीं हुआ है, एरियर नहीं हुआ, 7 लिखे हैं जी सर 7 महीने से हम लोगों को न राशन मिल रहा है न दवा मिल रहा है सर। तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाए हुए बैठे हैं, 4 घंटे तक जनता की फरियाद को सुनेंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे, देखना यह दिलचस्प होगा कि उसका हल किस तरह से निकालेंगे तेज प्रताप यादव, क्योंकि सरकार में तो ये है नहीं, भले ही पूर्व मंत्री हों मौजूदा दौर में विधायक हों, और ये भी देखना होगा कि क्या इन लोगों की समस्याओं को वो किस तरह से उठाते हैं आगे, किस तरह से इसका समाधान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कुछ राज्य सरकार की समस्या, राज्य सरकार की तरफ से आ रही परेशानियों का जिक्र कर रहे थे भी इससे पहले आपने सुना, अब जरा एक और शख्स अपनी समस्या रख रहे हैं, सुनते हैं कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और आप आइए यहाँ पर जनता दरबार लगा लोगों की समस्याएं सुन रहे। तेज आप जनता दरबार आज से लगा रहे हैं, वजह क्या है? जिस तरीके से लोग का जो समस्या है पूरे देश भर में तमाम लोगों को उसका निदान कैसे करेंगे, लाइव जा रहा है हम लोग का कैसे होगा सर, सब लोग का लाइव जा रहा है तो बीच में वैसे लोगों की समस्याएं सुनते हैं घर पर, नियमित तौर पे चलेगा आगे भी? नहीं हाँ नियमित तौर पे चलेगा। चलिए तो यहाँ पत्रकारों के सवाल का भी जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव बताते हुए कि हाँ नियमित तौर पर ही ये जनता दरबार चलेगा, लोगों की समस्याओं को मैं सुनूंगा यहाँ पर, और एक बुजुर्ग अपनी दरख्वास्त लेकर अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, सुनते हैं उनको भी। आप कहाँ से हैं? इलाज करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, नहीं करेगा अभी हाजिर नहीं हुए हैं, हमारी प्रार्थना आपसे एस सी को कह दीजिए उनके बच्चा 81 वर्ष का है, ऐसे ऐसे अपराध करने के सक्षम है या कितना संभव है कितना असंभव है, इसलिए सर एस सी को कहा जाए कि ऐसे आदमी जो रोगी है पैर से चलने में नहीं बनता है सर, हृदय के रोगी उसे डॉक्टर दिया हुआ है, इसलिए से हमारी प्रार्थना है कि इसको इलाज कहाँ पर करवाना है, इस पहले बिहार सरकार कहते अभी है जो आर के छा है
डिप्टी डायरेक्टर आपके मेडिकल साइट के अपने पीएमसीएच में, अच्छा पीएमसीएच उन्हीं के यहाँ से इलाज चल रहा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जरा ऐसी चौका दिया जाए कि हमारा नाम कटवा करके अचानक साहब है, चूंकि हृदय के रोगी हैं सर। ठीक ठीक, बस एक बोल देता हूँ जी सर, आप यहीं बैठिएगा, हम बोल देते हैं, आप बताइए। तो देखिए बुजुर्ग, ये बुजुर्ग अपनी कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे और तेज प्रताप ने कहा है कि आप यहीं रुकिए और मैं बात करके अभी तुरंत इसका निदान निकालता हूं। देखिए किसी अधिकारी से शायद फोन पर बात भी कर रहे हैं, यानी कि फैसला ऑन द स्पॉट, एकदम तुरंत निराकरण ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, देखते हैं क्या किस अधिकारी से बात कर रहे हैं। 16 दिनांक 27/11 354 16 दिनांक 27/11/2016 में निवेदन ही दिए थे, अभी आकर के मिल रहे हैं। इनको झूठा मुकदमा में इनका लड़का आपका लड़के थे क्या नाम हुआ प्रकाश रामचंद्र सिंह यादव है, इनको झूठा केस में शायद इनको फंसा दिया गया है, तो देख लीजिए क्या है, जल्द से इनका निपटारा कीजिए, छोड़वाइए इनको, ठीक है मोबाइल ठीक है ना। अभी हम यहाँ जनता दरबार लगाए हुए हैं अपना पार्टी कार्यालय में, यहीं बैठे हैं तो ये हमसे आकर के मिल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, नहीं इनको इनका करवा दिए, निर्दोष आदमी है बेचारे, बीमार भी हैं तो शिकायत पत्र हाथ में, शिकायतकर्ता तेज प्रताप यादव के सामने, फोन मिलाया जाता है, फोन पर बात होती है, संभवतः चूंकि कानून से जुड़ा हुआ मामला में था तो एक गलत मामले में, गलत केस में फंसाए जाने का मामला था, शायद पुलिस कर्मी से पुलिस अधिकारी से बात करते हुए, क्योंकि दूसरी तरफ उनके कौन था ये थोड़ा अभी हमारे जो सहयोगी हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं उनसे और ज्यादा जानकारी के बाद पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक समझ में आई है चीजें वो किसी पुलिस कर्मी से बात करते हुए बताते हुए कि जो शिकायतकर्ता है मेरे सामने है, निर्दोष लग रहे हैं, आप देख लीजिएगा क्या होता है इस मामले में। एक साथ आप सब आदमी ले लीजिए। तो पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों की शिकायत समस्याएं सुन रहे हैं तेज प्रताप। अरे हो गया ना, तो एक्शन में आ गए हैं तेज प्रताप यादव। और इस तरीके से आपने पहले किसी मंत्री का जनता दरबार देखा होगा, किसी सीएम का जनता दरबार तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन ये एक पूर्व मंत्री और एक तरह से कहें कि विधायक का जनता दरबार है, जो कि सत्ता में है नहीं, लेकिन जनता दरबार वो लगा रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इससे कितने लोगों की समस्याओं का हल निकलेगा, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प हाल। देखिए एक और फोन लगाया गया है, अब देखते हैं जो एक और समस्या है उसका कैसे निदान निकाला जाता है या कैसे इसके लिए आश्वासन दिया जाता है। रामचंद्र सिंह यादव है, आपसे मिलेंगे जा करके पीएमसीएच में। पीएमसीएच में आप कहाँ पे हैं? तो वहाँ जो इंचार्ज होंगे आप बताइए, उनका नाम दे दीजिए, हम बोल देते हैं उनसे जाके मिल लेंगे, या आप बता दीजिएगा उनको। हाँ ठीक, तो आपका नाम लिख करके इनको पूर्जा पे हम दे देते हैं, आपसे एक बार मिल लीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, इनका नाम लिख करके इनको दे दो, हम बोल फोन कर दिए, आप जाकर के मिल लीजिए। 4-5 साल से पूरा तबाह किए हुए, एक मिनट और सर, केस चला गया है एसपी के यहाँ, इसलिए एसपी को भी नोटिस हो जाए। हम पहले थाना में फोन कर दिए, आप पहले थाना में जाइए, वहाँ नहीं सुनेगा तो फिर हम एसपी को फोन कर देंगे, ठीक है। आप पहले अपना इलाज करवाइए, हम वहाँ बोल दिए।
आप दो मिनट के लिए बढ़िए यहाँ पूछिए, आप लोग अपना ले लीजिए। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर शिकायत की थी, तो देखिए तेज प्रताप यादव का स्टाइल है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव का स्टाइल है। एक्शन में तेज प्रताप यादव आ चुके हैं। एक बुजुर्ग जो समस्या लेकर आए, दो तरह की दो विभागों की समस्या उनकी थी, पुलिस अधिकारी से और दूसरी ओर अस्पताल में भी कुछ समस्या थी, तो दोनों ही जगहों पर अधिकारियों से फोन पर बात की। तेज प्रताप यादव पहली बार जनता दरबार लगा रहे हैं और वो पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, तीन फरियादी यहां पर पहुंचे हैं फरियाद लेकर, और वो अपनी फरियाद जो है वो यहां पर लिख रहे हैं और तेज प्रताप यादव से गुहार लगाएंगे कि जो परेशानी है उसका निदान हो सके। ये बताइए कि भैया आप कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला से। क्या परेशानी है? परेशानी है हमारे बाबूजी जमालपुर